बिहार से कटिहार जिले में। हाँ हाँ, और कब आए थे आप? हम परसों आए थे। ओके, और आप लोग कितने लोग साथ में थे? आप गाँव का 22-23 आदमी सब पकड़ थे। 22-23 लोग थे। आप कहाँ रहते थे? तो कितने घर नीचे आ गए? नीचे इसमें 8 से 9 ओके, और 8 से 9 घर पूरे दब गए पूरे। और कितने लोग थे उसमें? 18 लोग थे। तो आप बोल रहे 15 लोग अभी जैसे उसमें से मैं दो बोला जीवित। आप कैसे आप अचानक कैसे आप थोड़ा बताएंगे कैसे आप उठे और अचानक मतलब क्या हुआ कि रात को जब 1:30 का टाइम था। हाँ। मैं उठा, उठने के बाद बैठा, बैठने के बाद फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा, फिर मैं सो गया। अच्छा, रात को थोड़ा नींद भी नहीं आ रहा था। चलो हाँ हाँ, फिर जैसे मेरा चावल को लेकर मैं सोया, सोने के बाद जैसे 5 मिनट के बाद ऐसा अचानक जो गिरा था, मेरे को लगा बिल्डिंग गिर गया, इतना जो साहब आ गया जो साहब आया बिल्डिंग गिर गया। तो गिरने के बाद मैं आवाज दिया चार बाजू में, कोई बचाओ कोई बचाओ बचाओ। तो उसमें से अपना जो बाजू का टोली में रहता था मेरा गांव का, वो मेरे को उसके लिए बोला इधर ही जिंदा है इस वक्त का, वो लोग मेरे को खींच के निकाल। ओके, और तो आपके घर से कोई यहाँ दुर्घटना में गया है क्या? भाई भाई गया आलोक शर्मा। आलोक शर्मा, और आपके साथ भी और भी लोग थे ना, आप बता रहे थे आपके फूफा के लड़का भी है। अच्छा अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है ये जो सुविधा यहाँ पे दी गई थी वो ठीक नहीं थी? जैसे आप जब बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स में आपने काम किया है, तो ये यहाँ पे जो अभी घर है वो सुरक्षित नहीं था? आपको कई आपको एहसास पहले से था ही? मगर पहले कैसे था, आपको होता था सर ये छावा अच्छा है। हाँ, बारिश की वजह से अचानक ये जो हुआ, ये बारिश की वजह से हुआ। हाँ। आप यहाँ कितने सालों से रहते थे? और हम लोग तो ऐसा तो बहुत सारा काम किया, पुणे में बहुत सारे काम है, आते जाते आप 50 साल का काम। तो तभी ऐसा कभी ये घर मतलब ठीक नहीं था? वैसे पहले कैसा बिल्डिंग से थोड़ा दूर में रहता था, थोड़ा नजदीक हो गया बिल्डिंग से, थोड़ा बाहर। हाँ हाँ, आप गांव किस काम से गए थे उसके लिए? गाँव हम लोग लेट हो गया था, हम लोग गए काम में, चलो धान का खेती है हम लोग का, मक्का का खेती था, वो सब काटने को गए थे, वो सब काट लेते हैं हम लोग धान का खेती। थैंक यू।